आज आपको मटर पनीर की सब्जी, जैन शाकाहारी मटर की पनीर की सब्जी बनाना बता रही हूँ। आंटी आंटी आप क्या बना रही हूँ? मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ। मुझे भी सीखनी है। ओ, मैं जैनी स्टाइल में बना रही हूँ। मैं प्याज लहसुन नहीं डालूंगी इसमें। आंटी मुझे यही सीखनी है। अच्छा, यही सीखनी है तो ठीक है। लो अभी शुरू करते हैं। देखो पहले सामान दिखा दो। सामान बता दो पहले तुमको। और मैं इधर गैस जला देती हूँ। देखो ये मटर है, ये मैंने ब्लेंच्ड मटर लिए हैं। कहने का मतलब, ब्लेंचिंग का मतलब होता है उबलते पानी में इनको डाल दो। और उबलते पानी में डाल के मैंने इसमें एक आधी चम्मच चीनी डाली ताकि इसके रंगत नहीं उड़े, हरे एकदम हरे रहेंगे, बने हुए भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये है, ये काजू का पेस्ट है, ये गरम मसाले की चीजें हैं जिसमें मैंने जावित्री, जायफल और तेजपत्ता, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च ली। ये मैंने करीब 25 ग्राम मावा लिया है। आप अगर मावा घर पे नहीं है तो आप एक टेबल स्पून भर करके मलाई ले सकते हैं, ताजी मलाई ले लीजिए। अच्छा। ये मैंने मसाला लिया है इसके फ्लेवर के लिए, जैसे किचन किंग मसाला टाइप चीज होती है ना वो। ये नमक है, ये धनिया है, ये हल्दी है, ये मिर्ची है, ये जीरा है और ये एक चुटकी हींग है। ये मैंने गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया काट के रखा हुआ है, हरी मिर्च और अदरक मैं इसमें डाली। ठीक है, आप देखो शायद कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। अच्छा, एक बात मैं साथ साथ ही बताना चाहती हूँ तुमको कि सब्जी में जो लाली आती है खूबसूरती और मिर्च भी तेज ना हो, उसके लिए बाजार में एक मिर्ची आती है जो रंगत ज्यादा देती है और तीखापन कम देती है, उसका इस्तेमाल करोगे तो सब्जी की शक्ल बहुत अच्छी बनेगी। ये आगे आपने तेल कितना डाला? मैंने तेल एक टेबल स्पून, अभी जरा गर्म कम हुआ है, हम एक जीरे का दाना डाल के देख सकते हैं। जब तक ये चटके नहीं तब तक नहीं इसको कच्चे भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अभी ये गर्म कम हुआ है, अभी डालती हूँ हींग डाल देती हूँ मैं एक चुटकी हींग। तेजपत्ता डाल दीजिए, ये मैंने जरा सी जावित्री डाली, ये मैंने डाला दालचीनी बिल्कुल थोड़ी सी, और दो लौंग डाली, ज्यादा भी नहीं, जरूरत नहीं है, और चार पांच दाने काली मिर्च के डाले। ठीक है, और जरा सा एक बिल्कुल दाल के बराबर जायफल, बस इतना सा है ना। अब मैं इसको चला देती हूँ और इसमें हल्दी में थोड़ा हल्दी डालिए, मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डालिए, धनिया डालिए और इसमें अब हम काजू का पेस्ट मिला देंगे। काजू मैंने करीब करीब 50 ग्राम लिए थे। अब मैं इसमें मावा भी मिला देती हूँ। ये मावा आधी कटोरी? नहीं, आधा कटोरी नहीं था। पहले जो आपने डाला वो एक कटोरी भर के था काजू पेस्ट। और अदरक अब डाल दी, उसे पूरी तरह से गला देनी चाहिए, देखो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। अभी चिपकने लगा, तैयार हो गया। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, एक चम्मच नमक डाल दिया मैंने, इससे थोड़ा पानी मिला दिया, तैयार है। ये जरा पकने लगे फिर मैं ये और एक दो चीज साथ के साथ मैं ये मसाला जो किचन किंग मसाला रख रखा था इसको भी डाल देती हूँ।
प्रोटीन है, मटर में आपको मटर में थोड़ा बाइल होती है, इसकी वजह से मैंने इसमें अदरक डाला, थोड़ा थोड़ा मसाला डाला, तो इसे ये लाभकारी है। और हरी मिर्च, जैसे कि आप जानते हैं हरी मिर्च बहुत लाभकारी है, और बाद में इसको गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देंगे। आप ये करीब करीब तैयार है। कितनी सुंदर बनी, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने ये निकाल ली है, ये तैयार हो गई है, आप ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप बिल्कुल कर सकते। वाव आंटी, क्या टेस्टी सब्जी बनी है, इसे तो मैं भी घर पे ट्राई करूंगी। जरूर जरूर बनाना और खाना और घर पे खिलाना। जी आंटी, ठीक है। अच्छा, नमस्कार। ओके बाय बाय बेटा, मैं अब अगली रेसिपी के साथ फिर से आऊंगी आपके सामने। तब तक के लिए